आज हम आपको बोट नेक में एक डिजाइन बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए बुकरम। मैंने ये 6 इंच एक साइड मतलब 12 इंच चौड़ी बुकरम ले ली है। ये देखिए इस तरह मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। ये 12 इंच चौड़ी है, 6 इंच एक साइड है। तो इसके लिए अब हम मार्क करना शुरू करेंगे। इससे सबसे पहले हम यहाँ से टॉप से 4 इंच नीचे लगाएंगे। यहाँ भी हम 4 इंच नीचे लगाएंगे और इसे सीधा कर देंगे। अब हमने जो गले की चौड़ाई लगानी है, ये मैंने गले की डीपनेस रखी है 4 इंच, और जो हमने गले की चौड़ाई लगानी है वो हम 8 भी लगा सकते हैं, 9 भी। तो हम 8 लगाएंगे। ये यहाँ भी मैं 4 इंच लगा लूंगी और इसे यहाँ पे मैच कर देंगे। ये एक बॉक्स बन गया है। और अब इसके नीचे भी हम 2 इंच और लगाएंगे, क्योंकि गले की डीपनेस हमारी 6 इंच होनी है। तो हम 2 इंच और नीचे लगा लेंगे। इस साइड भी हम 2 इंच लगा लेंगे और इस साइड भी हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है। अब हमने इसको भी सीधा कर देना है। सबसे पहले यहाँ एक निशान लगाएंगे। ये मैंने जो गैप रखा है 1.5 इंच का रखा है। तो इसके बाद फिर आप इसे इस तरह नीचे की तरफ, ये जो आपने गैप लिया है ये 2 इंच का है, तो आपने सारी साइड से ये वाला गैप 2 इंच 2 इंच रखना है। ये वाले जो कट्स हैं वो ज़्यादा लंबे और ज़्यादा चौड़े अलग अलग साइज के नहीं होने चाहिए। ये सारे साइज ये देखो बराबर होगा इसका। ये 2 इंच पे मैंने एक मार्क गुलाई का दे दिया। अब आप इसे फिर यहाँ पे यहाँ मिलाओगे, ये इसका बराबर आ जाएगा। और फिर एक मार्क आप यहाँ करोगे। उसके बाद ये जो है यहाँ पे गुलाई दे देनी है आपने। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। मैंने दोनों गले आगे का और पीछे का सेम बनाने हैं। आपकी मर्जी है, आपने अगर एक साइड बनाना है तो एक साइड बना सकते हो, नहीं तो दोनों साइड भी बना सकते हो। आपने इस तरह इसकी थोड़ा बढ़ा के, आधा इंच बढ़ा के शेप देनी है। बिल्कुल यहाँ पे नोक बना के काटेंगे, गोलाई में नहीं काटेंगे। यहाँ भी हम बिल्कुल नोक, सब साइड इधर भी हम नोक बना के काटेंगे। यहाँ गोलाई नहीं देनी हमने बिल्कुल भी। अब ये हमारा कपड़ा वेस्ट है बुकरम वाला, ये हमारा यूज होगा गले में। ये डिजाइन बनेगा, ये देखिए यहाँ से डोरी घूमेगी इसमें इस तरह। ये वोट शेप का थोड़ा डीप साइड ब्रॉड गला है ये। अब मैं आपको बना के बताती हूँ। मैंने आगे और पीछे दोनों साइड बनाना है, आपकी च्वाइस रहेगी, आप कैसा भी बना सकते हो। अब हम इस गले को कपड़े पे जोड़ेंगे। इस तरह हमने इसको यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है, और जो ये बीच वाला जो हमारा डिस्टेंस है वो हमने नापना है। हमने गले की चौड़ाई 8 इंच रखी थी, तो अब हम यहाँ पे 8 इंच पे इसको मार्क कर देंगे। ये देखिए ये हमने 8 इंच पे निशान लगा दिया। अब हमारी जो सेकंड पट्टी है वो हम 8 इंच पे लगाएंगे। इसे हम इस तरह अच्छी तरह सेट करके, ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसको फिनिशिंग देंगे। ऊपर से भी हमने पूरा पूरा बराबर काट देना है, और यहाँ से हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर देनी है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। ये हमारा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है, हम इसे इस तरह ट्रिम कर देंगे। अब हमने इसका गले का सेंटर करना है। सबसे पहले इस तरह हमने बराबर कर लेना है सारी साइड से करके। इसे यहाँ से आप एक कट लगा दोगे और जो कपड़ा है उसमें एक सेंटर का निशान बना दोगे। ये हमारा सेंटर का निशान बन गया, ये देखिए ये हमारा सेंटर का निशान है। अब हम इसको शर्ट पे जॉइंट करेंगे। अब हमने शर्ट का पीस लिया है, ये फ्रंट पल्ला हमारा आगे का पल्ला है ये। अब हमने इसे इस तरह मार्क कर लेना है। आप नखून से इसको अंदर की तरफ दबा के साइन बना लोगे।
ये कपड़े पे हमारा अब साइन आ गया है, ये सेंटर का साइन है। यहाँ पे हमने अब चौक से निशान बना लेना है और ये हम इस गले को इसके ऊपर रखेंगे। और इस तरह हमें एक सीधी सिलाई करेंगे। अब हम इसे सेंटर पे रख के यहाँ पे हमने दोनों पल्लों का सेंटर कर लेना है, यहाँ गले का भी और नीचे वाले का भी। और यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे, कुछ भी सुई लगा दो आप, पिन लगा दो, बस इसे यहाँ ज्वाइन करना है कि आपका ये गला हिले ना जब आप इस पे सिलाई लगाओ। अब हमने इस साइड से किसी भी एक साइड से सिलाई लगानी शुरू करनी है। अब हमने यहाँ से सिलाई लगानी है, बिल्कुल हमने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है, हमने ऊपर नहीं सिलाई लगानी है इसकी। अब हमारा सेंटर पे आया, अब हमने इसकी पिन निकाल के इसको सेंटर को देख के सिलाई लगा देनी है। अब हमारी गले की सिलाई लग गई है। अब हम इस कपड़े को अच्छी तरह फैला के इस तरह हाफ इंच कपड़ा छोड़ के सारी साइड से काट देंगे। सिलाई के साथ साथ हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ देना है, बिल्कुल किनारे से नहीं काटना, नहीं तो ये फिर सिलाई खुल जाएगी। अब हमने इसके बिल्कुल कॉर्नर्स पे कट्स लगा देने हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिलाई को बचा के लगाना है आपने, सिलाई कटनी नहीं चाहिए आपकी। यहाँ पे आपने बिल्कुल किनारे किनारे इसके काट देने हैं। अब आप इसके गले को सीधा करोगे, अब आपने इसे इस तरह सीधा कर देना है सारे कॉर्नर्स को, ये जो नोक हैं इनकी बाहर आ जाएंगी। अब आपने या तो सीजर ले लो आप, या कोई तीखी चीज ले लो कोई भी, इस तरह आपने इसके कॉर्नर निकाल देने हैं। ये देखो ये नोक से निकल जाएगी, आप सीजर की हेल्प से निकाल सकते हो, लेकिन ये तीखी होती है आगे से, आपने इसको ज्यादा जोर से नहीं करना, नहीं तो आपका कपड़ा फट जाएगा। बिल्कुल सॉफ्टली आपने नीले हाथ से करना है इस तरह। अब आपने इसे इस तरह रख के फोल्ड कर देना है और यहाँ पे आप एक कच्ची सिलाई लगा दोगे, ये रफ सिलाई है आपकी, आप इसको हेमिंग करके इसको निकाल दोगे बाद में। बड़े ध्यान से सिलाई लगानी है आपने, यहाँ से इस तरह से सफाई दे दे के। अब हमारा ये वाला गला बनके तैयार है। अभी इसमें हम एक, ये मैंने डोरी बनाई हुई है, ये डोरी बनाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको, तो आप इस ऐसे आपकी मैचिंग डोरी बना लीजिए। आपने कोई भी जो भी कलर आपको सूटेबल आपको अच्छा लग रहा है, आपके सूट के साथ मैच है, तो आपने यहाँ से इसको बिल्कुल किनारे से थोड़ा छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे तीरे अटैच होंगे तो थोड़ा कपड़ा अंदर जाएगा, इसको हम यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस गले को हमने पहले इस तरह सीधा रख लेना है और देख लेना है कि डोरी अब अगला पार्ट कहाँ पे आएगा। खींच के लगाओगे तो ये गला इस तरह हो जाएगा, ढीला लगाओगे तो गला ये डोरी फैल जाएगी। आपने बिल्कुल एक्यूरेट देखना है कि आपका गला कहाँ पे सेट है, बिल्कुल ढीला छोड़ के, इससे नॉर्मल। आपने फिर इस डोरी को यहाँ पे रख के एक सिलाई लगा देनी है और फिर आपने दोबारा इस सिलाई को टर्न करके इस साइड आ जाना है। अब फिर आपने इस तरह गले को रखना है नॉर्मल, बिल्कुल फैलाना नहीं है, ना ही अंदर की तरफ फोल्ड करना है, आपने इस तरह इसको रख लेना।
फिर आपने इसे इस साइड फोल्ड कर देना सिलाई को। इसको इस तरह सारे गले में हमने इस तरह डोरी अटैच कर लेनी है। अब आपने ये वाला जो यहाँ साइड से लगाया था वो दूसरी साइड हमने नाप के इसको एक निशान लगा लेना है, वहीं पे हम सेकंड वाला लास्ट ज्वाइन करेंगे इसको। इस तरह हमने गला रखना है पहले। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया है, जैसे मैंने इधर का नाप लिया था सेकंड वाले में, तो यहाँ पे आप लगा के इसे ढीला नहीं छोड़ना ना ही खींचना है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से आपने इसको रख के यहाँ पे अब आपने इसको काट देना है। अब हमारा ये गला बन गया है। अब मैं आपको पिछला पल्ला जोड़ के पूरा गला फिनिशिंग करके दिखाऊंगी।